आज हम जो बात करेंगे, कुछ बात करेंगे नज़र की कमज़ोरी के मुताबिक और इसके बारे में बात करेंगे. सो उसके लेट्स लुक एट सम ऑफ द मिथ्स. पहले For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे. इन कोविड टाइम्स में अपना ध्यान रख रहे होंगे और घर में होंगे, महफूज होंगे. मैं अपने बारे में कुछ तौर से आपको बता दूं. मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हुमा क्यानी सेगल है. मेरा शोबा इमराज़ चश्म है, जिसको आप ऑप्थल्मोलॉजी कहते हैं और ईजी वर्ड्स में इसको डॉक्टर जैसे तो डिजीज ऑफ द आई के साथ हम रिलेटेड हैं. I work in Sir Gangaram Hospital, which is affiliated with Fatma Jinnah Medical University, Lahore, and I'm heading the Department of Ophthalmology over there. आज हम जो बात करेंगे, कुछ बात करेंगे नज़र की कमज़ोरी के मुताबिक और इसके बारे में बात करेंगे. सो उसके लेट्स लुक एट सम ऑफ द मिथ्स. पहले बहुत से लोग आके सवाल ये करते हैं बैठ के मुझसे कि जी मेरी नज़र जो है क्यों कमज़ोर है, या बहुत के पेरेंट्स आके अपने बच्चों के बारे में सवाल करते हैं कि शायद पढ़ते बहुत हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, उस पर से नज़र कमज़ोर है. या कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि बहुत ज़्यादा टैबलेट्स और अपने कंप्यूटर्स और टेलीविज़न और गेम्स अपने जो है फ़ोनों पे खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी नज़र कमज़ोर है. बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं और बहुत दफ़ा ये होता है कि मुझे बल्कि कहा जाता है कि जी इनको मना करिए कि ये जी मत खेला करें, इनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, ये वजह है करके. कुछ आके ऐसी भी बातें करते हैं रिगार्डिंग कि जी हम पढ़ाई बहुत ज़्यादा, हम पढ़ाई छुड़वा दें क्योंकि हमारे बच्चे की नज़र कमज़ोर हुई या हमारी नज़र कमज़ोर हुई, तो मैं आसान पढ़ाई ले लूँ. कुछ लोग अपनी खेलों को सोचते हैं कि जी अगर हम खेल ज़्यादा खेल कूद बंद कर दें क्योंकि नज़र उसका नज़र का उसके साथ ताल्लुक नहीं है. कुछ लोग आके अपनी आँख में बात करते हैं कि जी हम अरके गुलाब डालते हैं अपनी आँख में, या हम शहद डालते हैं अपनी आँख में, या सुरमा डालते हैं, तो इससे नज़र जो है हमारी नज़र बेहतर हो जाएगी या नज़र हमारी ख़राब नहीं होगी. सो ये सारी के सारी बेसिकली बातें मैं इनको मिथ समझती हूँ, क्योंकि नज़र की कमज़ोरी का संभव इनके साथ हम डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं बता सके. सो अगर प्रूफ हो तो तभी हम उसकी थियरी बना के यूनिवर्सली प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो हम नहीं कर सकते. सो मेरी नज़र में ये काइंड ऑफ मिथ्स हैं कि सुरमा डालने से नज़र बेहतर हो जानी. मैं आप लोगों को फिर भी कहूँगी कि अवॉइड करें ये शहद डालना आँख में या ये अरके गुलाब डालना, क्योंकि ये ओवर द काउंटर हैं. बहुत से जो हम दवाइयाँ देते हैं होते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स के साथ होती हैं. सो हमें नहीं पता कि इन दवाइयों में क्या है, या कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन ना करके आ जाए तो फिर काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है. सो इसके अलावा पढ़ाई से कसर कोई ताल्लुक नहीं है. बच्चों को पढ़ने दीजिए और पढ़ाइयों को चेंज करके आसान सब्जेक्ट या आसान चीज़ों को भी, कोई ये मिथ्स है, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें से कोई इसके साथ इसकी रियलिटी नहीं है. सो ये जेनेटिक भी है कि जब पेरेंट्स को माँ बाप दोनों को एनक लगी है फैमिलीज में है, तो उनके बच्चों में चांसेस हैं कि उनकी बच्चों की एनक का नंबर उनको लगेगा या उनकी नज़र कमज़ोर होगी. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. सो बेसिकली इनको कुछ लोग कहते हैं कि जब विटामिंस खाते हैं, विटामिन सी ले, विटामिन ए ले, जरूर खाएं, जरूर लें, लेकिन एक हद तक नॉर्मल वेजिटेबल्स, नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह खाएं तो वो भी ठीक रहता है. तो उसको ओवर नहीं आपने करना चीज़ को. कुछ लोग कहते हैं, फील करते हैं कि हमारा बच्चा खाता पीता कुछ नहीं है तो शायद उसकी वजह से नज़र कमज़ोर है. इसका भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. बच्चे हेल्दी हैं, खाना ठीक खा रहे हैं, अपनी उनकी जो खुराक ठीक है तो इसके साथ वो ठीक ठाक रह रहे हैं. सो नज़र की कमज़ोरी फिर बेसिकली है क्या? नज़र की कमज़ोरी जी होती है, आसान लफ्ज़ों में या आपको टर्मिनोलॉजीज में बताऊँगी, एक होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस्बायोपिया. ये आसान वाली तीन है. सो अब मायोपिया का मतलब अगर उर्दू में इसको आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट साइटेड. मायोप्स वो होते हैं कि जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है और नज़दीकी बहुत अच्छी होती है. हाइपरमेट्रोप्स उसका उल्टा है, उसमें होता है कि इनकी नज़दीक की नज़र जो होती है बुरी होती है और दूर की नज़र अच्छी होती है. और जो तीसरे टाइप है वो जो होते हैं प्रेस्बायोपिया, वो होते हैं कि जो उम्र के साथ फोर्थ डेकेड में 40s में जाके उनको अब नज़दीक का प्रिंट मैंने अखबार या उनके जो फ़ोन के अंदर जो है प्रिंट छोटा वो उनको कम नज़र आना शुरू हो जाता है, तो वो दूर कर रहे थे देखने के लिए, तो उसमें भी उनको एनक लगती है. सो नज़र की कमज़ोरी एक कॉमन सा फैक्टर है और बहुत बच्चों को, बल्कि अब ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा पिकअप बेसली हो गया, क्योंकि स्कूलों में भी ये एक मैंडेटरी हो गया कि आप बच्चे जब स्कूल में एंटर होते हैं या जो रहते हैं तो उनकी आई एग्जामिनेशन होती है, तो इसलिए नज़र की कमज़ोरी पिकअप हो जाती है कि उनकी नज़र किस वजह से कमज़ोर है और उसको हम बेहतरी ला सकते हैं. इसी तरह अवेयरनेस की वजह से इवन मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट्स की मैंडेटरी आई एग्जामिनेशन, क्योंकि मुश्किल पढ़ाई है तो
पिकअप हो जाती है कि पहले जो शायद पिछले जमाने में शायद नहीं पिकअप होती थी चीज़ें, अब आसान हो गया। अब ये जो तीन बीमारी, ये बीमारी नहीं मैं कहूँगी इनको, मैं कहूँगी फिजियोलॉजिकल चेंज कहती हूँ मैं इनको। सो अगर किसी को मायोपी है तो उसमें बेसिकली इनकी आँख का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है मिलीमीटर्स में, जिसकी वजह से जो आँख की रोशनी है उसने पर्दे पे पड़ना है, पर्दे से उसकी आँख दिमाग में जाकर उसने महसूस करना है और देखना है। सो इन लोगों में जो मायोप्स होते हैं या जो शॉर्ट साइटेड होते हैं, इनकी नज़र जो रोशनी है वो पर्दे से थोड़ी सी आगे स्टॉप कर जाती है, तो आप एनक के नंबर से वो ठीक कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा है कि उनकी लाइट जो है वो थोड़ी सी पर्दे के पीछे चली जाती है, और जो प्रेस फाइव है वो तो उम्र के साथ, क्योंकि उनके जो अंदर अपने अपनी एज चेंजेस है, मीनिंग आप मिडिल एज की तरफ जा रहे हैं, तो उस चेंजेस के असर का नंबर आ जाता है। अब इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इतने जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, कि एक ट्रीटेबल मैनेजेबल कंडीशन है। आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? जो जिनके मायोप्स हैं उनको हम एनक देते हैं, हाइपरमेट्रोप्स को एनक देते हैं, प्रेस्पायर्स को भी एनक देते हैं। जो मायोप्स को देते हैं हम दूर की एनक देते हैं, ताकि उनकी दूर की नज़र ठीक हो जाए और वो दूर आराम से देखें। हाइपरमेट्रोप्स को हम नज़दीक के देते हैं, मायोप्स को हम कॉन्केव एनक के अंदर कॉन्केव लेंजेस लगा देते हैं, हाइपरमेट्रोप्स को हम कॉन्वेक्स लेंजेस लगा देते हैं, और इसी तरह प्रेस्पायर्स को भी कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ये स्पेक्टिकल फॉर्म्स में होती हैं, एनक लगती है और उनको बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आना शुरू हो जाता है, उनकी लाइफ बड़ी कम्फर्टेबल गुजरती है। कुछ लोग जो कंफर्टेबल नहीं फील करते कि नहीं एनक उन्हें लगानी, तो जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, बच्चों को मैं एडवाइस नहीं करूँगी, लेकिन जब वो टीनेजर्स होते हैं तो उस टाइम पे आकर के वो उनको अवेयरनेस है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट लेंस ऑफर कर सकते हैं, और वो कॉन्टैक्ट लेंजेस एक स्पेशल अमाउंट ऑफ टाइम मीनिंग 6 से 7 घंटे दिन में लगा लें, सोते हुए नहीं लगाना बिल्कुल भी, और उसकी एहतियात अगर अच्छी तरह से करें तो दे कैन वेयर द कॉन्टैक्ट लेंजेस और कम्फर्टेबली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको फिर भी नहीं है कि जी एनक नहीं लगानी, कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाने, तो थोड़ा सा वेट करें कि टिल द टाइम दे अडल्ट्स, और अडल्ट्स हम इसको 21 तक समझते हैं, तो 21 पे खासतौर पे जो मायोप्स हैं जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, उनको आप लेज़र के थ्रू उनकी एनक, दे कैन गेट रिड ऑफ ग्लासेस, उनकी एनक उतर सकती है। सो दिस इज़ अ पीरियड आपको स्लोली वेट करना होता है, आपको फॉलोअप्स करने होते हैं, आपको एग्जामिनेशन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से करवानी होती है, और आपकी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल गुजरती है एनक के साथ, लाइक दैट ऑफ द नॉर्मल पीपल, बिकॉज आप भी नॉर्मल हैं। ये एक हेल्दी चीज़ है कि एक सिर्फ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, और आपकी जिंदगी कंफर्टेबली सुकून से और अच्छी तरह से विजुअली गुजरती है। सो बेसिकली जो मिक्स को आप साइड रख दीजिए, अपने आप को ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, रेगुलर आई एग्जामिनेशन करवाइए, एनक का नंबर बदलते रहते हैं। ये नहीं होगा कि अगर एक नंबर एक टाइम पे ये नंबर है तो 3-4 सालों बाद भी वही नंबर हो, नंबर थोड़ा सा बदलता भी रहता है, कोई बात नहीं, नंबर जब बदलेगा तो उसके मुताबिक हम उसको चेंज कर देते हैं, और फिर आपको बिल्कुल ठीक नज़र आना शुरू से। सो नथिंग टू वरी अबाउट, ये ट्रीटेबल है, ये मैनेजेबल है, और परफेक्टली सॉर्टेबल चीज़ है। सो आप इसको अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से मिलके इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आप अपनी डाइट अच्छी रखें, आप अपना रेगुलर वर्क करें, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू ना चाहिए, लेकिन अवॉइड करें फ्रॉम ये हनी शहद आँख में डालना, या इसके अलावा ये सोच के कि सुरमा आँख पे भर दिया, खासतौर पे न्यू बॉर्न बेबी की भर रहे होते हैं सुरमा की, जी नज़र अच्छी हो जाएगी बढ़ जाएगी, ये सारे मिथ्स हैं। इनको अपने इसको फील मत करें कि ये इससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, चेंज है, फिजियोलॉजिकल चेंज जो मैनेजेबल है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो, या आप समझें कि आपने कोई पूछना है, जो चीज़ आपको अभी पूरी तरह से इतने शॉर्ट टाइम पे मैं क्लियर अगर नहीं कर सकी, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मरहम से ले सकते हैं मेरे, और मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे सकती हूँ, या आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपने फिजिकली दिखाना तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मरहम से ले सकते हैं मेरी, और मैं आपके सवालों के जवाब, और इसके अलावा आपकी आई एग्जामिनेशन और इन चीज़ों को भी मैनेज करके इनको आपको इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, कोविड टाइम्स हैं, स्टे सेफ, और अपना और अपने घर वालों का और अपने आगे पीछे लोगों का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, ये वक्त भी गुजर जाएंगे। अस्सलाम। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।